अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन नवा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक की और स्टॉक की रिकॉर्डिंग के हवाले से। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखते हैं क्या चीज़ें देखी थी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात अपनी शुरू की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और मैंने आप लोगों से पाँच जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ऑनर इक्विटी वाली स्टेटमेंट है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है और नोट्स है, इनके ऊपर बात की थी। और उसके साथ ही मैंने आप लोगों को वाउचर्स बताए थे, और ये भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर वी हैव यूज्ड इन आवर बिजनेस। हम अपने कारोबार के अंदर जो है मुख्तलिफ अकसाम के वाउचर यूज़ करते हैं। उसमें हमने तीन वाउचर्स की बात की थी, जिसमें हमने रिसीट्स वाउचर की बात की थी जो हम वसूली के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हमने पेमेंट वाउचर की बात की थी जो हम किसी को अदायगी के लिए यूज़ करते हैं, और लास्ट में मैंने एक जर्नल वाउचर की बात की थी जो ना तो रिसीट्स को इफ़ेक्ट करता है और ना ही हमारी पेमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है। और लास्ट में मैंने आप लोगों से कुछ काइंड ऑफ बिजनेसेस शेयर की थी, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और हमारा जो ट्रेडिंग कंसर्न है उस हवाले से बात की थी। दोस्तों, हमारी बात जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न की पिछले ही लेक्चर में ख़त्म नहीं हो गई थी, बल्कि अभी वो जारी है, और आज की इस क्लास में हम अपनी बात उसी के ऊपर जारी कर रखेंगे, और उसमें हम देखेंगे स्टॉक को और देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए स्टॉक की क्या अहमियत है और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए स्टॉक की क्या अहमियत है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो किस टाइप की फॉर्म स्टॉक की फॉर्म जो है वो मेंटेन रखती है, और ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो किस टाइप्स ऑफ फॉर्म जो है स्टॉक की वो मेंटेन रखती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक की हम बात कर रहे हैं और करेंगे आज की इस क्लास में, और हम ये भी देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो अपने स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करती है, और जो हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है वो अपने स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करती है, ये है हम आज की क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम अपने आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी स्टॉक है क्या। अब स्टॉक क्या, स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक से मुराद वो अशिया हैं जो अभी सेल नहीं हुई हैं, लाइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन और अभी कंपनी के अंदर पड़ी हुई है। तो स्टॉक से मुराद ऐसी अशियाँ हैं जो अभी फरोख्त नहीं हुई हैं और कंपनी के अंदर मौजूद पड़ी हैं, और इससे मुराद हमारी फिनिश गुड्स है। अब सेकंड डेफिनेशन ऑफ स्टॉक के बारे में लिखी हुई है जी, स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल रेडी फॉर सेल। अब उससे मुराद ऐसी अशियाँ ली जाती हैं जो सेल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उससे मुराद भी हम स्टॉक लेते हैं। अब स्टॉक की हमारे पास दो फॉर्म्स हैं जी, उसमें हमारे पास हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के ट्रेडिंग बिजनेस है उसका स्टॉक हम मेंटेन करते हैं, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए दोस्तों स्टॉक कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, इससे मुराद वो स्टॉक है जो हम खरीद करते हैं और फिर उसको रीसेल कर देते हैं। और जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर की थी कि जैसे हमारा मोटरसाइकिलों का या कारों का कोई शोरूम है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो मोटरसाइकिल है वो ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस के कंसर्न के अंदर आता है, और मोटरसाइकिलों का या जो कारों का स्टॉक होगा वही सिर्फ हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या है जी, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एन ऑर्गेनाइजेशन इज कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, कि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। सो इट हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टॉक, कि इनकी तीन किस्म के स्टॉक होंगे, फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज वर्क इन प्रोसेस, एंड लास्ट पे जो है जो वो फिनिश गुड्स है। अब रॉ मटेरियल जैसे हमने गंदम की बात की थी और फिर आटे की बात की थी, तो जब हम गंदम लाते हैं दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल,
हम गंदों को मशीनों के अंदर पुट करते हैं फॉर मेकिंग द फ्लोर, दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस, और लास्ट में जो हमारे पास आटा बनता है दिस इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। तो इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वी हैव मेंटेन द थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक, फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज वर्क इन प्रोसेस एंड लास्ट वन इज फिनिश गुड्स। और दोस्तों साथ ही आपको ये एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें और मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो बिजनेस है उसके स्टॉक की इंपॉर्टेंस को और मतलब यहाँ पे वाजे किया गया और बताया गया है कि किस तरह के तीन स्टॉक हो सकते हैं, इसमें रॉ मटेरियल है, इसमें वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स है। आप देखें शुरू के अंदर जो पहली पिक्चर आपको नजर आ रही है ये हमारी रॉ मटेरियल की है, मतलब इसमें आपको लकड़ी की कुछ प्लेट्स नजर आ रही है। विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेट्स या व्हेन वी आर पुटिंग दीज प्लेट्स इनटू द वर्क इन प्रोसेस वी हैव प्रिपेयर अ चेयर। हमने सेकंड पिक्चर के अंदर उससे एक चेयर बना ली है जी, चेयर बन गई है और उसके बाद जो है हमने उसको पेंट किया है। तो पेंट करने के बाद ये हमारे पास जो है फिनिश गुड की एक शक्ल अख्तियार कर गई है। तो हमारे पास तीन किस्म का स्टॉक हो गया, एक लकड़ी की सूरत में, एक चेयर की सूरत में जो अभी बन रही है, और तीसरा जो है जिनको एक पर पेंट हो गया और वो फरोख्त होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज वर्क इन प्रोसेस एंड लास्ट वन इज फिनिश गुड्स। ये तो हो गया जी हमारा स्टॉक ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हवाले से। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके अंदर हम लोगों ने बात की है कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद हमारे पास वर्क इन प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारे पास जो है फिनिश गुड्स होता है। अब उसको आगे फर्दर मजीद डिवाइड किया गया इंटू टू कैटेगरीज, दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक एंड दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। अब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका भी ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, और जो हमारे पास फिनिश गुड्स है इसका भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब ओपनिंग स्टॉक है क्या? ओपनिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो बिल्कुल बिगनिंग है, स्टार्ट है, वी हैव सपोज अ डेट 1/1/2019। अब 1/1/2019 जो है वो है जी 1 जनवरी 2019, दैट इज द हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये अकाउंटिंग पीरियड की फर्स्ट डेट है। तो एट दैट टाइम जो हमारे पास स्टॉक में जो होगा इसको हम कहेंगे कि जी ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, के अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर जो आपके पास स्टॉक मौजूद होगा वो हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। अब 31/12/2019 को जो हमारे पास स्टॉक मौजूद होगा दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक जाता है तो जनवरी 1 को जो हमारा स्टॉक होगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो हमारा 31/12/2019 का जो स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगली स्लाइड देखते हैं जी, अगली स्लाइड क्या? अब इसमें बात आ जाती है रिकॉर्डिंग की कि हम अपने स्टॉक को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो किस्में हैं, एक हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न की रिकॉर्डिंग होगी स्टॉक की, और एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की रिकॉर्डिंग होगी स्टॉक की। क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ स्टॉक ही है, जबकि अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की तो उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, उसमें हमारे पास वर्क इन प्रोसेस भी है, उसमें हमारे पास फिनिश गुड्स भी है। तो हम देख लेते हैं कि जो ट्रेडिंग कंसर्न का जो स्टॉक है वो हम कैसे एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द ट्रेडिंग कंसर्न या ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें देखिए जब हम लोग अपना स्टॉक परचेज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जी स्टॉक अकाउंट को, और क्रेडिट करते हैं कैश को या बैंक को या क्रेडिट को, इफ वी आर परचेजिंग दैट स्टॉक ऑन क्रेडिट। अगर हमने क्रेडिट के ऊपर कोई स्टॉक परचेज किया तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये तो बात हो गई जी खरीदारी के वक्त। अगर हम बात करते हैं फेल की कि हमने उसको फेल आउट कर दिया है तो हम लोग कैश को डेबिट करते हैं या बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि पैसे हमारे पास जो है वो आ रहे होते हैं। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हिच वी हैव बीन स्टडिंग इन द आवर प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट समझाया हुआ है, यहाँ पे वही कर रहे हैं। और हम लोग क्रेडिट करते हैं उस चीज को जो हमारे से आउट हो रही होती है, मतलब स्टॉक जा रहा है
तो हम स्टॉक के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जब हम पेमेंट की अदायगी करते हैं, अगर हमने स्टॉक जो है वो उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदने के वक्त जब हम पेमेंट की अदायगी करते हैं तो हम डेबिट करते हैं सप्लायर को या क्रेडिटर के अकाउंट को जिनके हमने पैसे देने होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश की या बैंक की, अगर हमने जो है वो क्योंकि हमसे आउट हो रहा होगा, हम अदायगी कर रहे होंगे, तो हम क्रेडिट करेंगे कैश को या बैंक को। और ये हमारा हो गया जी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसमें सूरत में देख लीजिए हम क्या करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया जी, डेबिट एंड क्रेडिट आ गया। जब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हम इसको नाम दे रहे हैं, दिस इज नोन एज रॉ मटेरियल। अब हम मटेरियल या स्टॉक के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे चीजें इन हो रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं हम कैश को या बैंक को या क्रेडिटर को अगर हम उधार पे परचेज कर रहे हैं। अगर उसके बाद रॉ मटेरियल पे हम लोग पुट करते हैं अपना प्रोडक्शन के अंदर या वर्क इन प्रोसेस के अंदर, तो हम लोग डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस को। जब हम लोग स्टॉक इश्यू कर रहे होते हैं फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं मटेरियल को। उसके बाद हम लोग जब प्रोडक्शन फैक्टर से चीजें बनकर निकलती हैं तो वो जाती हैं हमारी फिनिश गुड्स के अंदर। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई तो फिनिश गुड्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है और वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है क्योंकि वहां से चीजें आउट हो रही हैं। उसके बाद हम लोग जब सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट हो जाता है और फिनिश गुड को जो है वो क्रेडिट हो जाता है। और जब हम लोग इसकी जो है सेल कर देते हैं और उसमें अगर हमने फेल किया है कैश के ऊपर या हमने फेल आउट किया है जी अपना उधार के ऊपर, तो हम लोग डेबिट करते हैं कैश को, या अगर हमने कोई चेक रिसीव किया तो डेबिट करेंगे हमने बैंक को, वरना हम अकाउंट रिसीवेबल को और फेल अकाउंट को जो है वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जब अदायगी करते हैं क्रेडिटर को पेमेंट्स की, तो वो हम लोग सप्लायर या क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को जो है हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई ऑफ स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आज की क्लास में जो है हम लोगों ने जो है वो सीखा है स्टॉक के बारे में, हमने बात की है फॉर्म्स ऑफ स्टॉक के बारे में, हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक की बात की है, उसमें हमने रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात की है, उसमें हमने वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक की बात की है, उसमें हमने फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात की है। और एट द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन वी हैव टॉक अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज स्टॉक्स, कि हम उनको जो है ट्रेडिंग कंसर्न में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों आइंदा आने वाली क्लास के अंदर जो है हम लोग अपनी बात जो है वो स्टॉक के ऊपर जारी रखेंगे और मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा और फिर उसकी जो है रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्लासेस समझ आ रही होंगी और आपको अकाउंटिंग सीखते हुए भी मज़ा आ रहा है। दोस्तों अगर आपको रियली मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम वीडियोज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और मेरे चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।